अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में मिलने वाले समोसे से कई ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी समोसे हमने घर में तैयार किए हैं जो कि कच्चे कीमे के हैं। तो हमेशा से आप रोल पट्टी और समोसा पट्टी को मार्केट से ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर हमने घर में तैयार किया है। और कैसे तैयार किया है आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और यहाँ पर हम अभी पहले सबसे पहले अपने डो को रेडी करेंगे। और जिसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक कटोरी की मेज़रमेंट से यहाँ पर मैदा लिया हुआ है और इसको हम इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए हमने चम्मच से इसको अलग अलग कर दिया है क्योंकि हमें इसमें जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स मिलाने वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया हुआ है और इस तरह से हम देखिए हल्का हल्का ऐड करते जाएंगे। देखिए दो चम्मच हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं और इसको अब हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है, तो देखिए इस तरह से हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। और सॉल्ट को हमने ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए हल्के हल्के आपको मिक्स करना है, पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें घी भी मिला सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने ऑयल का यूज़ किया है और जो कि हमें बस अच्छे से मिक्स करना है। इतना ही मिक्स करना है कि ये हाथ पे दबाने पे एक में जुड़ जाए। इस तरह का हमें ये इसका पाउडर चाहिए। ये देखिए हमने इसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है इस तरह से। और अब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको इस तरह से जोड़ के दिखा रहे हैं, बस इसी तरह का हमें चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हमने इसको रेडी कर लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी हमें हल्का ऐड करना है और इसका एक सख्त डो लगाना है, इसको नरम नहीं करना है, हमें इसको सख्त डो ही लगाना है क्योंकि हमें अभी इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। तो आपको आधे घंटे बाद वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप सख्त डो लगाएंगे तो आधे घंटे बाद आपको मीडियम डो आपका रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक डो को रेडी कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने डो को रेडी कर लिया है जो कि एकदम सख्त है। और इसको अब हम देखिए इस तरह से लीड से कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक के लिए हम यहाँ पर समोसे की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चार मीडियम साइज के प्याज दिया हुआ है, इनको हमने छील लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो यहाँ पर हम आपको इसको इस तरह से एकदम बारीक काट के दिखाएंगे। आपको रफली चॉप नहीं करना है, आपको इस तरह से पतले पतले पीस में काटना है जो कि हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखिए कितनी पतली काटी है हमने, इस तरह से आपको भी प्याज काटना है। और यहाँ पर देखिए हमने अपनी सारी प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने देखिए अपना प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर दिया है, तो देख सकते हैं ऑयल का यूज़ हमें बहुत ही कम करना है क्योंकि जो समोसे जब बनेंगे तो उसमें ऑयल रहेगा, ऊपर से ऑयल जब हम फ्राई करेंगे तो पूरा ऑयल ऑयल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें यूज़ करना है। समोसे की फीलिंग के लिए हमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है। और अगर आपका आप ये ध्यान रखिए कि आपको फैट वाला कीमा नहीं लेना है, यहाँ पर आपको कीमा रूखा लेना है जिससे कि उसमें फैट रिलीज ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने अनियन को अपने ऐड किया था और ये अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ अनियन हमारी अच्छे से हो चुकी है, तो अब हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे जो कि हमारा 250 ग्राम है और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमने एक कटोरी
मटर लिया हुआ है जो कि हमारी येलो मटर है। आप इसमें ग्रीन मटर भी ऐड कर सकते हैं। और इस मटर को हमने रात में सोक कर दिया था और ये अच्छे से मटर भीग चुकी है। और तो अब हमने इसमें एक कटोरी इस तरह से मटर ऐड कर दिया है और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्च लिया हुआ है और इनको भी अभी हम वॉश करके अच्छे से चॉप कर लेंगे। रफली चॉप करना नहीं है आपको, बारीक चॉप करना है इस तरह से। और इसे भी हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो अब हम इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे जो कि हमारा इस तरह से देखिए आधा गिलास है, ताकि हमारा कीमा जले ना और अच्छे से गल भी जाए और जो मटर है वो भी हमारी गल जाए। तो इस तरह से आपको पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद आप इसको एक बार और चला दीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने हाई फ्लेम रखा हुआ है और यहाँ पर हमने इस तरह से लीड से कवर कर दिया है। और हाई फ्लेम पे ही हमें सिर्फ इसको एक प्रेशर देना है। और एक प्रेशर के बाद हमें इसे 15 मिनट के लिए सिर्फ कुक करना है स्लो फ्लेम पे। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए हमने जो अपना आधे घंटे के लिए डो रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो इसको एक बार हमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा अच्छे से। इसे एक बार और हमें इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करना है। और डो हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, जो कि मीडियम डो है, ना नरम है ना ही सख्त है, देख सकते हैं। इस तरह से आपको डो लगाना। और अब हम यहाँ पर देखिए एक पेस्ट रेडी करेंगे जो कि अभी हमें समोसे बनाएंगे। तो उसको हमें चिपकाने के लिए इस तरह से हमें मैदे का घोल चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी मैदा लिया है और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे जो कि हल्का ठीक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, देखिए। अभी इसमें हम पानी थोड़ा और ऐड करेंगे इस तरह से। हल्का पानी ऐड करते करते आप एक पेस्ट बना लीजिए इसका। यहाँ पर देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से बेलने के लिए हमें एक चॉपिंग बोर्ड चाहिए। यहाँ पर हमने एक कपड़े को इस तरह से रख लिया है क्योंकि हमारा जो इस तरह बेलते टाइम हमारा चॉपिंग बोर्ड हिले ना, इस तरह से हम आप एक बाउल इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए। आपको एक छोटा सी बाउल लेना है इस तरह से, देखिए, जैसे आप रोटी का पेड़ा बनाते हैं बस इस तरह से इसका पेड़ा रेडी कर लीजिए इस तरह से, देखिए। अब हम सारे बाउल को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बाउल को अच्छे से रेडी कर लिया है। और यहाँ पर अब हम इसे बेलेंगे एक इस तरह से, हमें एक पेड़े को उठाना है और मैदे में स्प्रेड करके इसको हल्का हमें बेल लेना है, देखिए इस तरह से। आपको मैदा ज़्यादा नहीं लगाना है वरना फ्राई करते टाइम आपके समोसे एकदम रूखे रूखे हो जाएंगे ऊपर की लेयर। तो आपको मैदा आपको हल्का ही स्प्रेड करना है, देखिए हल्के हल्के ही लगाना है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बेलना है कि हमें सिर्फ इतना ही बेलना था। और इसके ऊपर अब हम ये देखिए इस तरह से हम इसको साइड कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसी साइज में एक और इस तरह से हम बेलेंगे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे को भी अच्छे से बेल लिया है। और अब हम इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने ब्रश का यूज़ किया है और आप हाथों की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं, इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रश का यूज़ किया है, देख लीजिए आप इस तरह से हमें सब तरफ ऑयल को ग्रीस करना है, ये देखिए। हल्का ही ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का लेकर इस तरह से सब तरफ आपको फैला देना है, ये देखिए। इस तरह से लगाने के बाद हम इसमें मैदा इस तरह से छिड़केंगे, ये देखिए। ये देखिए मैदा हमने इस तरह से इसमें ऐड किया है, ये देखिए। और यहाँ पर अब हमने जो अपने एक और पेड़े को बेला था तो उसको भी हम इस तरह से देखिए ले लेंगे। और यहाँ पर रखने के बाद
इसमें भी हम हल्का ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको हल्का ऑयल लगाना है, और आप हो सके तो मैदे का जो हमने छिड़काव इसमें अभी किया है तो आप बहुत ही हल्का रखिएगा, और इस तरह से इसमें देखिए इसको एक साथ जोड़ देना है। ये देखिए मैदे और तेल की हेल्प से, और यहाँ पर अब देखिए हल्का मैदा एक बार और लेंगे हम, और इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा इस पर दबाव नहीं देना है, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना है, बस आपको हल्के ही हल्के एक पतली सी लेयर में बेल लेना है। जितनी पतली लेयर होगी आपका समोसा की जो जो ऊपर की लेयर होती है, जो हम पट्टी ये रेडी कर रहे हैं, जितनी पतली पट्टी होगी उतना ही आपका क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए पैन ले लिया है, ये गर्म होने के लिए रखा था, अब हम यहाँ पर इस तरह से हम अपनी पट्टी को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए गैस की फ्लेम को आपको ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम स्लो पे ही रखना है, और इसको बहुत ही हल्का इसको कुक करना है। देख सकते हैं आप इस तरह से हल्का कुक करिएगा, ज़्यादा कुक ना करिएगा, वरना आप जब फिलिंग समोसे के लिए रेडी करेंगे तो आपकी जो ऊपर की लेयर है वो टूटने लगेगी, तो आपको ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए हमने जो दो लेयर के लिए पट्टी जोड़ी थी हमने, उसे हमें इस तरह से हल्के हाथ से अलग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से अलग कर लिया है जो हमने दो पट्टी जोड़ी थी इसमें। तो आप इस तरह से लेयर रेडी कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आपका कभी भी मन हो तो आप इसे रोल के लिए और समोसे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कितनी आसान तरीके से अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है। ये देखिए, आपको इसे ज़्यादा सेकना नहीं है, बस इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने कितने अच्छे से रेडी कर लिया है, बिल्कुल पतली पट्टी हमारी, जितनी पतली रखेंगे आपका उतना ही क्रिस्पी समोसा और या फिर रोल अच्छे से रेडी होगा। इस तरह से हम बचे हुए पेड़े से सारी पट्टी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने सारी पट्टियों को अच्छे से रेडी कर लिया है, और कितनी इजी तरीके से हमने मार्केट से मिलने वाली पट्टी को घर पे तैयार किया है। तो आप इस तरह से आप भी अपनी पट्टियों को घर पे रेडी कर सकते हैं, आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सारी पट्टी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, और जो कि बहुत ही पतली हमने रेडी की। तो देखिए अब हमें यहाँ पर जो समोसे की पट्टी चाहिए, अब हमें इसे उस शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से फोल्ड करके और इसके जो किनारे के पार्ट्स हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह से हमको बराबर करके हल्के हाथ से कट कर लेना है। और इसके जो साइड के पार्ट्स हैं तो वो आपके अभी हम यूज़ में आ जाएंगे, और कैसे हमें इसे यूज़ करना है वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए इस पार्ट को आप वेस्ट ना होने दीजिए, इस तरह से साइड कर लीजिए, और इस तरह से आपको इधर से भी कट कर लेना है बराबर करके अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको भी अच्छे से हल्के हाथ से कट किया है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके साइड के पार्ट्स को अलग कर देना है, और जिस तरह से अभी हमने इसको फोल्ड किया था, और अब हम इसे जो हमने कट किया है उस साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो इसके भी किनारे के पार्ट्स हैं इनको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसान तरीके से कट हो चुकी है, और ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे स्क्वायर शेप में पट्टी हमने ये रेडी कर। तो देखिए जो पट्टी हमने रेडी किया है, आप इससे रोल भी बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमें समोसे बनाने हैं, तो समोसे के लिए हमें यहाँ पर शेप देना है। इस तरह से हमने एक मार्क लगा लिया है निशान, और इसी निशान हल्के हाथ से इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए जो निशान हमने लगाया है, बस उसी के ऊपर आपको
इस तरह से अपने चाकू को हल्के हल्के हाथ से कट करते जाना है। ये देखिए, ज़्यादा तेज़ आप करेंगे तो आपकी जो पट्टी है वो फट जाएगी। तो इस तरह से आप हल्के हाथ से करिए और इस तरह से देखिए, हमने इसे अलग कर लिया और देखिए कितने अच्छे से हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि अभी हम आपको आगे बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने कीमे को भी एक साइड ठंडा होने के लिए रखा था और ठंडे होने के बाद ही हम इसमें धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गर्म डालने पर जो हमारे जो हरी हरी धनिया होती है तो वो काली हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसे ठंडा करके ही इसे इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए, हमने मसाला ऐड किया है कि होममेड चाट मसाला है, और इसकी वीडियो आपने हमारे चैनल पे देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और अपनी पट्टी को भी इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रख लिया है। और अब हम यहाँ पर इसको अपनी फीलिंग इसमें ऐड करेंगे, इस पट्टी में। तो चलिए, हम इसको एक शेप देते हैं समोसे का। इस तरह से पट्टी आपको एक लेना है। तो यहाँ पर जो हम शेप दे रहे हैं, तो शेप देने से पहले यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से हमने इसको सेका था, आपको उस तरह से ही इसको फोल्ड करना है। और जिस तरफ से हल्का कच्चा है तो उस तरफ से हम इसे अभी फ्राई करेंगे, तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने इससे समोसे का शेप दे दिया है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो अब इस तरह से अब हम इसमें अपनी कीमे की फीलिंग को ऐड करेंगे, ये देखिए। आपको फीलिंग को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वरना फ्राई करते टाइम आपकी फीलिंग बाहर आ सकती है। तो आपको हल्का ही फीलिंग ऐड करना है और इसको हल्के से प्रेस करिएगा। और यहाँ पर देखिए, समोसा रेडी करने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट्स खुला हुआ है, जो मैदे का हमने पेस्ट बनाया था, उसको इस तरह से इसमें स्प्रेड करना है हाथों की हेल्प से, ये देखिए अच्छे से। और इसको इस तरह से इसमें चिपका देना है, तो ये आपकी जो फ्राई करते टाइम ये जो इसकी लेयर है वो खुलेगी नहीं। और इस तरह से देखिए, ये देखिए, इसके कॉर्नर पे भी इस तरह से हमें लगाना है हल्के हाथों से। और इसको भी हम इस तरह से जोड़ते हुए, ये देखिए, जो ये देखिए, इस तरह से हमें बस इस तरह से हमें शेप दे देना है। और जो इसके तीनों कोने हैं उसको हमें अच्छे से दबा देना है, ताकि हमारी फीलिंग फ्राई करते टाइम बाहर ना हो। तो देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से हमने समोसे को रेडी कर लिया है। इसी तरह से अब हम सारे समोसे को रेडी कर लेंगे, ये देखिए। तो देख सकते हैं, जो भी फीलिंग थी हमने समोसे में ऐड करके इस तरह से इनको शेप दे दिया और सारे समोसे को अच्छे से रेडी कर लिया है, ये देखिए, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक पैन लिया था, उसमें हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए पहले से ही। और ऑयल को आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है। आपके समोसे ऊपर से तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, लेकिन फ्राई होने के बाद वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से जो फ्लेम है आपको मीडियम रखना है, ना हाई रखना है और ना ही स्लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपको अपने समोसे को ऐड करना है, जो कि हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही से हल्के हल्के क्रिस्पी करना है अपने समोसे को, ताकि उसकी जो लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो सके और क्रंची भी हो सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने समोसे को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको सारे समोसों को आपको ऐड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हमने सारे समोसों को ऐड कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें हल्के चलाते हुए इसे फ्राई करना है हमें। और जो इसके तेल हैं, इसको साइड से इसके ऊपर इस तरह से डालते रहना है और अलट पलट भी करते रहना है इस तरह से। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारा समोसे में जो लेयर है इसकी अच्छे से फूल रही है, इसका मतलब ये क्रंची हो रही है, देख सकते हैं आप। तो आपको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही इसे चलाते हुए फ्राई करते जाना है।
तो देखिए इसे फ्राई करते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको अपने समोसे को रेडी करना है और जो कि बहुत ही क्रंची रहेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे समोसे। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको जिस तरह से सारे टिप्स के साथ आपको हमने समोसे की रेसिपी बताया, आप उसी तरह से फॉलो करिए वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आप पूरी रेसिपी को अच्छे से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बाकी बचे हुए समोसे थे उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए जो हमने पट्टी अपनी रेडी किया था तो उसकी साइड की जो कटिंग बची थी, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आगे इसकी रेसिपी बताऊँगी, तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से हल्का नॉर्मली फ्राई कर लीजिए जो इसकी कटिंग है। देखिए ये आपकी कटिंग वेस्ट नहीं जाएगी, तो इस तरह से आप फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करके आप चाट में ऐड कर सकते हैं ऊपर से, और इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमको सिर्फ हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हमें सारी कटिंग को इसको फ्राई कर ले। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं आप। आपको बस इतना ही फ्राई करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पर अब हम एक बाउल में इसे अच्छे से सारे को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर हमें पिसी हुई चीनी लेना है इस तरह से, और इसमें ऐड कर देना है। और इस तरह से अगर आप खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही क्रंची रहता है। इस तरह से आप चाय के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और या बिना चाय के साथ भी आप इस तरह से चीनी ऐड करके इसको खा सकते हैं। देखिए कितनी क्रंची है। तो चलिए अब हम अपने समोसे की प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं जो हमने अपने समोसे रेडी किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें समोसे हमने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसी तरह आप भी एक बार इस समोसे को ज़रूर ट्राई करिए और यकीन है कि आपकी फैमिली में ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और आप तो अगर आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में फीडबैक शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने समोसों की प्लेटिंग करी है और देखिए समोसे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं और अंदर से बहुत ही जूसी हैं, देख सकते हैं। और ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो या रेसिपी या हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता ही है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।